बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अहम ख़बर शामिल करेंगे। जब हम पाकिस्तान के मसाइल के हल की जानब आते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अशद ज़रूरत है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तभी इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आ सकेगी। और इस मौशी इस्तेहकाम की इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है। अगर हम ये कहें तो यकीनन इसके ही मुतरादिफ़ है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी सिचुएशन क्या है। बैरून मुल्क सरमायाकारी के लिए एक जानब हम कोशिश कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन दूसरी जानब इसको बरकरार रखने के लिए भी हमें एफ़र्ट करनी है। और वो एफ़र्ट तभी काम आ सकती है जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। सियासी इस्तेहकाम किस कदर ज़रूरी है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और सियासी इस्तेहकाम तभी आ सकता है जब तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर एक पेज पर आएँ। इख्तलाफात चलते रहते हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफात इस हद तक ना बढ़ जाएं कि वो बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के मौशी हालात को बिगाड़ने का सबब बने। यहाँ हमने देखना है कि हम किस तरह से इन इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों को किस तरह से सोचना है। सोचने की जब बात आती है, एक पेज पर आने की बात आती है, तो डायलॉग हमारे सामने आता है, मुज़ाकरात की बात की जाती है। जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ग्रैंड डायलॉग की जानिब इशारा किया जाता है। जहाँ कुछ सियासतदान ये बातें कर रहे हैं, वहीं तज़िया निगार भी बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि हमारे लिए ये भी इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि हम ग्रैंड डायलॉग की जानिब आते। लेकिन अब सियासी रहनुमाओं की जानिब से ये बातें जब की जा रही हैं, तो शायद हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, अब ग्रैंड डायलॉग की बात की जाएगी। लेकिन ग्रैंड डायलॉग को प्रमोट करना, इसके हवाले से बात करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी यकीनन ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ सियासतदान ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, सिर्फ बातचीत में है, सिर्फ डायलॉग में है, तो फिर ये डायलॉग किससे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इनके क्या नकात हो सकते हैं। ऑपोजिशन भी होगी और हुकूमत भी होगी, इनको मिल बैठ के मुल्क का सोचना है। कुछ ज़रा सियासी रहनुमाओं के हवाले से बातचीत कर लेते हैं, उनके बयानिए पे मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। यकीनन ये बात खुश आइंद है। साबिक सदर आरिफ अलवी का भी यही कहना है कि मसाइल का हल बातचीत में ही है। पीटीआई की जानिब से जब हम बात करने की बात करते हैं कि उन्होंने मसाइल का हल अगर निकालना चाहते हैं, वो एक पेज पर आना चाहते हैं बैरून मुल्क, तो वो दूसरों से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन अपनों से इतनी खफगी है कि अपनों की जानिब से अगर हाथ बढ़ाया जा रहा है और ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, तो उसको यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। अगर राना सनाउल्लाह की बात करें तो उन्होंने भी ग्रैंड डायलॉग की बात की, लेकिन पीटीआई ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। ओवरऑल अभी ओपोजिशन लीडर की अगर हम बात करें, उमर अयूब साहब भी जहां एक बात कह रहे हैं कि हम आना चाह रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर, हम पॉलिटिकली चाह रहे हैं कि हम डायलॉग करें, लेकिन वो डायलॉग किसके साथ करना चाह रहे हैं ये भी सवाल है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी बात और करें पीटीआई के स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन साहब की, तो वो ये कहते हैं कि मैंने राना सनाउल्लाह के डायलॉग की जो पेशकश है उसको तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बातचीत उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और मैं मैंशन करना चाहूँगी, उसके बाद हम अपने मेहमानों की जानिब जाएँगे और उनसे उनका ओपिनियन लेंगे। IMF यकीनन बड़े अहम है। जब हम आलमी मालियाती इदारे की बात करते हैं और उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, उस पर हम इस वक्त फुली डिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी है IMF ने। यह भी बहुत अहम सिचुएशन है। अब कितना ज़रूरी है सियासी रहनुमाओं के लिए कि अगर वो पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, तो IMF की इस बात को वो ख़त्म करें, इस हाइलाइटेड पॉइंट को वो किसी हद तक मिटाने की कोशिश करें। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि ये सियासी डायलॉग किस जानिब जाएगा, क्या ग्रैंड डायलॉग की मेज़ पर तमाम सियासी रहनुमा आएंगे, नहीं आएंगे, वो संजीदा हैं या नहीं, ये भी बुनियादी सवाल है हमारा आज का, जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट फरूख भट्टी साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब और सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन मंसूर आजम कासी भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। सर ओवरऑल जब हम ग्रैंड डायलॉग की जानिब इशारा कर रहे हैं, तो बहुत पहले से बात कर रहे थे हमारे तज़िया निगार, जितने भी हमारे जो इस मुल्क का अच्छा सोचने वाले हैं, वो यही ख्याल रखते हैं कि ग्रैंड डायलॉग जब तक नहीं होगा तब तक मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। अब कुछ सियासी रहनुमा भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं।
लेकिन आपसे मेरा यह सवाल होगा, ये सिर्फ बयानिए हैं, ये सिर्फ बातें हैं, या वाकई हमारे सियासी रहनुमा इस जानिब संजीदगी का मुजाहरा करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो कुछ कहा और अब इसके बाद जो सवाल के अंदर जो कुछ कहा, जी जी, आप यकीन कीजिए कि वो इतना कंफ्यूजिंग है कि इसका जवाब बजाय इसके कि इसका जवाब हाँ में पॉजिटिविटी में होना चाहिए और हो सकता है, लेकिन उस जवाब की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान के हालात में जहाँ आज हम खड़े हुए हैं वो नज़र नहीं आता मुझे, क्योंकि सीरियसनेस मुझे बिल्कुल संजीदगी जिसको आप कहती हैं पाकिस्तान की माशी सोशल इंटरनल और एक्सटर्नल हालात देख के, और एक्सटर्नल हालात में दो चीज़ें ज़रूर जहन में रखिएगा, एक अफगानिस्तान में तालिबान ने अभी कल ही पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जाता वो उन्होंने उस पर इनकार किया है, और इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी जो बकवास कर रहा है जी जी। वो भी आपके नजर मुबर्रा, उसके पाकिस्तान के इंटरनल हालात की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो आप IMF की रिपोर्ट आपने गालिबन पढ़ी होगी जो अभी उन्होंने इशू की, और उसके अंदर जिन चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया है वो बड़ी तकलीफ दे, मतलब मुझे एक पाकिस्तानी होते हुए आप यकीन करें बाद दफ़ा शर्म महसूस होती है कि यार ये क्या ये चीज़ें जो है हमारे ऐवान इख्तदार में बैठे हुए लोग नहीं पढ़ते। अब ऐवान इख्तदार में जब आप कहेंगी तो उसकी फिर डेफिनेशन को आप बहुत बहुत वास्ट करना पड़ेगा। तो बात यह कि जिस कंडीशन में पाकिस्तान खड़ा हुआ है वो, और ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से एक चीज़ और कहूँगा कि इंडिया ने आज ही गालबन कल ईरान के साथ एक डील साइन की है, वो है चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने की 10 साल की इंडिया और ईरान की डील साइन हुई है, और ईरान के प्रेसिडेंट इधर भी आए हुए थे। अब इन तमाम हालात में क्या ये मुझे बार दफ़ा मेरे जहन में सवाल बहुत शिद्दत से उभरता है क्या ये चीज़ें जो आप बता रही थी जो हालात आज पाकिस्तान में हैं, क्या ये वो लोग नहीं देखते जो ये क्लेम करते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल ले जाने के लिए कौन, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ना। अब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये एक ट्रेलर है जो चल रहा है, अगर इस ट्रेलर से हमारे लोग वो लीडरान और सियासी पार्टियां कोई इस ट्रेलर से कोई फिल्म का अंदाज़ा लगा सकती हैं तो लगा लें, अदरवाइज ये चीज़ रेप्लिकेट होने वाली है आपकी मेन पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि जो महंगाई और नारा लगाया है बिजली के बिलों के हिसाब से, आटे गंदम और गंदम के बहरान के हिसाब से, वो आपको पता है वो पाकिस्तान के अंदर वो भी मौजूद है। अब गंदम के यानी इतनी बेशर्मी है मैं आपको क्या बताऊं कि गंदम पाकिस्तान के अंदर एक्सेस में पड़ी थी, वो इम्पोर्ट होती है 3,200 रुपए की आती है, 4,500 की बिकती है, और जब उसके थैले खोले जाते हैं तो उसके अंदर से मिट्टी निकलती है। सिंध के अंदर जो अपना यही गंदम की बोरान की एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर की टेबल पे, जिसके अंदर कहते हैं कि 4,000 टन गंदम जो है वो 2022 से 2024 तक जो स्टोर की थी वो गायब हो गई, उसके जो लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो ये चीजें हैं जिसके अंदर जो आप बात कर रही है ना सियासी डायलॉग की, यही तो लेगी, इन कंपल्शंस को समझता कौन है जी, करप्शन। और जब तक इन मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तब तक हम सियासी और मौशी इस्तेहकाम भूल जाएंगे, पाकिस्तान में आ सकता है। दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। असद खरल साहब, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं लेना चाहूंगी। मसाइल का हल बातचीत में, ये बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ देर कबल जिस तरह से उमर अयूब साहब बात कर रहे हैं एज अ ऑपोजिशन लीडर, आपको लगता है ये बात इस वक्त जस्टिफाइड है कि 9 मई की CCTV सामने लेकर आए? हम तो मुजाकरात की जानिब जाने की बात कर रहे हैं, हम तो ग्रैंड डायलॉग को प्रमोट करने की बात करें, ये किस जानिब जा रहे हैं ऑपोजिशन लीडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात यह है कि जिस तरीके से आपने बात की इसमें तो कोई शक नहीं है, IMF भी कह रहा है, दुनिया भी कह रही है, और पाकिस्तान के अंदर से भी अब आवाजें आ रही हैं कि किसी भी सूरत में जब तक ये ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आएंगी, सब मिल बैठेंगे, नहीं ना तो वो सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम पैदा होगा। दूसरी जानब जिस तरह आपने बात की है, उमर अयूब से पहले बरिस्टर गौर जो है वो भी कह चुके हैं, और PTI के दीगर है नुमा बरिस्टर और रऊफ हसन भी जो उनके सेक्रेटरी इतलात और मरकजी तर्जमान है वो भी कह चुके हैं
کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک تو جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کی وہ بات کرتے ہیں, دوسرا بارہا اس چیز کا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائی جائے اور اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ابھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آنے والے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ابھی ڈائلاگ کی طرف جو ہے سنجیدگی سے کوئی جماعتیں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں. دیکھیے اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی یا نون لیگ کی جانب سے یہ باتیں آ رہی ہیں یا بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی تو اس پر بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے نون لیگ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز پر یہ تو خوشی منا رہی ہے کہ دیکھیں جی ہماری بات جو ہے وہ مان لی گئی, اور لیکن وہ ساتھ ہی دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ ان سے نہیں کریں گے. تو ایک طرف وہ اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں اور دوسری طرف جن سے وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ صاف انکار کر چکے ہیں, حالیہ پریس کانفرنس کے اندر بھی بات کر چکے ہیں, کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ بات کسی سے خاص طور پر پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یک طرفہ جو ہے ڈائیلاگ کس طرح ہو سکتے ہیں جب دوسرا فریق جو ہے جس سے پی ٹی آئی والے بات کرنے کے خواہش مند ہیں وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی خواہش مند ہے لیکن پی ٹی آئی بھی اپنے بیان پہ قائم نہیں ہے, وہ بھی اپنے بیان بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فاروق بھٹی صاحب کنٹینیو کیجیے گا. سر ہم بھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر خواہش مند ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات کر لیں یا بات کر لیں, وہیں وہ مذاکرات پہ بات کرتے کرتے ہی تنقید کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, تو کس طرح سے ہوں گی مذاکرات؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنا کس نے ہے. اگر تو ڈائیلاگ کرنے ہیں سیاسی حکومتوں نے تو پھر پی ٹی آئی کو معذرت کے ساتھ مجھے بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی بات کریں گے اور کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی فاروق بھٹی صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے. بھٹی صاحب آپ اپنی بات ہی کنٹینیو کیجیے. سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات جو ہیں وہ جو بار بار مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور گریٹر ڈائیلاگ کی بات چل رہی ہے تو گریٹر ڈائیلاگ کس سے ہوگا. تو اس میں جو ایک جمہوری پارلیمانی نظام میں ہمیں نظر آتا ہے جس کا پی ٹی آئی خود بھی حصہ ہے اور اپوزیشن لیڈر ہے, تو مذاکرات تو سیاسی جماعتوں سے ہی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا جی کہ جناب سارے فیصلے جو ہیں وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے وہ کیے جائیں. اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور آج تھوڑی سی اس میں لچک دکھائی ہے عمر ایوب نے بھی جی مذاکرات کے حوالے سے جو بات کی, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پورا وقت دیا ہے عمر ایوب کو بطور اپوزیشن لیڈر کی اپنی بات وہ جو ہے وہ مکمل کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور حل ہے سوائے گریٹر ڈائیلاگ کے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریٹر ڈائیلاگ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور جس طرح حالات جا رہے ہیں تو دشمن تو ہمیشہ اس تاک میں لگا رہتا ہے. آپ بات کریں کہ کوئی اور حل نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کیوں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ دینا پڑے گی. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات آئی ہے سامنے اس پر جو آج بھی ان کے جو دکھڑے تھے جو وہ نیشنل اسمبلی میں بار بار وہ باتیں کر رہے تھے, ان دکھڑوں کو اگر ہم دیکھیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی کے پی میں حکومت ہے, اس وقت وفاق کے اندر وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, ان کی پنجاب کے اندر اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, انہوں نے بھی عوام کا مینڈیٹ لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مینڈیٹ کے بعد بھی آپ کہیں کہ ہم ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے. بات یہ ہے کہ بات چیت جو ہے وہ تبھی ہوگی وہ کسی اور سے, یہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, دیگر جماعتیں ہوں, آپ اس میں صرف پی ٹی آئی کو کیوں لے رہی ہیں؟ اس میں مولانا فضل الرحمان ہے, اس میں محمود خان اچکزئی ہے, اس میں وہ مطلب ہے وہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ نہ صرف پی ٹی آئی کی بات اس لیے کر رہے ہوں کیونکہ وہ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو وہ اس وجہ سے میں زیادہ اس کو کہہ رہی ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مذاکرات جو ہیں وہ کرنا پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ سیاسی استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اس کے لیے مذاکرات میں کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات کا حسن یہ ہے کہ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. جس طرح جو ہے وہ جو کچھ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کشمیر کا جی کہ وہ ایک ٹریلر ہے, تو وہ ٹریلر ہم نے کیوں ہونے دیا؟ ہم نے اس سے پہلے ان کے بنیادی مسائل جو ہیں ان پر ہم مذاکرات کرنے میں ناکام رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی جو ول ہے, لوگوں کی جو خاص طور پر جو خواہشات ہیں, لوگ جو کچھ چاہ رہے ہیں, ہم اس ڈائیلاگ کی بجائے
उस हद तक क्यों जाने देते हैं कि मामलात हमारे हाथ से निकल गए। सो फैसला ये करना है कि अगर तो इस मुल्क का फैसला इस मुल्क की अवाम ने और इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है तो वो उसका सबसे बड़ा फोरम जो है वो पाकिस्तान का पार्लियमान है, पीटीआई हो या कोई और जमात हो, उनको तमाम फैसले जो है वो पार्लियामान में करने होंगे। और खुदा के लिए मैं एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ तमाम सियासी जमातों से इस फोरम के हवाले से भी कि खुदा के लिए आप रहम करें, 22-24 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त सिसक रहे हैं, किसानों की हालत ये है कि वो बेचारे जो हैं उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आपके मुल्क के अंदर फूड एंड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है, कल को किसान जो है वो गंदम नहीं उगाएगा, दूध आपको नहीं मिलेगा, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आप कब तक जो है वो ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करते रहेंगे। और इसमें जो आम लोग हैं वो बिल्कुल सफर कर रहे हैं और मिडिल क्लास को जिस तेजी के साथ खत्म किया गया है और मजीद कर रहे हैं मिडिल क्लास को, ये सोसाइटी का बैलेंस होता है, इस बैलेंस को जो खराब किया जा रहा है। मैं बैलेंस तो माजरत के साथ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मंसूर, जिस तरह से अभी सर भी बात कर रहे हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब ईवान के लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो तब तक जब नहीं सोच सक रहे कि कहाँ से हमने सेटिंग करनी है, कहाँ हमने मुजाकरात करने हैं, हम कैसे इस मुल्क को चला सकते हैं, हम इन मसाइल का हल कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, तब तक ये मसले हल नहीं हो सकते। एक जानब मैं इशारा करना चाहूँगी, फिर मैं आपका पॉइंट ज़रूर लूँगी कि मंसूर क्या लग रहा है, जब हम पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं, डायलॉग करने की बात कर रहे हैं, हम ग्रेटर डायलॉग की बात कर रहे हैं, अभी तमाम मेहमान भी इस जानब बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई की जानब जब देखते हैं तो अभी अपोजिशन लीडर की अगर हम बात कर लें, वो तो अपने दुखड़े रोने से ही उनको फुर्सत नहीं है, वो क्या डायलॉग की जानब आएंगे, वो क्या मुल्क के मौशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई कदम उठा सकेंगे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम इसको साइड बाय साइड देखें। नंबर वन, पीटीआई वांट्स कि जी उनकी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो, क्योंकि तमाम तर जो इख्तियार और इख्तदार है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, सो उनके साथ ये लोग डायलॉग करना चाहते हैं ऑन दिस बेस कि ये जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है ये बिल्कुल एक बायस्ड सेटअप है, इनका कोई जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो नहीं है, जो जो इलेक्शंस हुए वो रिग्ड हैं, ये वो स्टांस है जो पीटीआई लेकर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही जहां पर एक जगह वो कह रही है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही डायलॉग करना है, उसके साथ ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप हो, उसके लिए उनका यकीन इसी पार्लियामेंट के ऊपर है जिसके अगेंस्ट वो डायलॉग करना चाह रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट कैसे चलनी है, ऑपोजिशन लीडर की कौन बनेगा, इस सारी चीजों में उनकी बाइंग है। इस ये बात मैं मानने से काफिर हूं कि आप एक जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑपोजिशन लीडर, ये सारे इसी पार्लियामेंट में उसी सो कॉल्ड आपके रिग्ड इलेक्शंस की वजह से ये पार्लियामेंट आई है, वो आप मानने को तैयार हैं। लेकिन जब आप डायलॉग करने की बात आती है तो आप कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करनी है। मैं एक चीज, हम लोग जिस तरह अभी सारी बात कर रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग तब होगा जब ये लोग इस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये लोग इस काबिल होंगे कि मुल्क को चला सके, जब ये लोग इस काबिल होंगे कि लोग एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उसको ठीक कर सकें, और उसके लिए इनके पास कोई फ्रेमवर्क होगा। मैं ये बात नहीं मान सकता कि जब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया में जाता है कि हमें पैसे दे दो, तो वो साथ अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए कि मैं एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर हूं, अपने साथ आर्मी चीफ को लेकर जाता है। जब आप आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी देख लें, हम ये हमारे साथ हैं और हम लेजिटिमेट हैं। दैट्स नॉट हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स। अगर आपने मुल्क के अंदर तरक्की करानी है, आपने ये जो गवर्नमेंट के एमओयू साइन हो रहे हैं, आज हम इंतजार कर रहे हैं सऊदीज पैसे देंगे, सऊदीज ये करेंगे, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर 1990 से शुरू हो जाए, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, जितने फॉरेन बैंक्स आए, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उनका एंड रिजल्ट क्या है? आज मई 2024 के अंदर वो सारे मुल्क से जा रही है। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, टोटल जा रहा है पाकिस्तान से, शेल तकरीबन जा चुका है, तमाम फॉरेन बैंक्स बिल्कुल जा चुके हैं। आप पाकिस्तान की मार्केट को, पाकिस्तान एज अ मार्केट सेल कर रही है। सर बेसिक रीजन यही है ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
पाकिस्तान के अगर अगर मैं देखें अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही काम कर रही होती? क्या आपको SIFC की जरूरत होती? 2440 मिलियन की मार्केट है पाकिस्तान, आपने 240 मिलियन की मार्केट को ऐसे बना दिया जैसे यहाँ पर लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है जाके वहां से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना? ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है भाई, ये इन लोगों का काम है जो बिजनेस करते हैं। आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, आप तो आज तक उसको रजिस्टर नहीं कर सके। आप क्या करने जाते हैं? आप सिर्फ MOU साइन कराने जाते हैं और उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये है कि 90 से लेकर आज 2024 तक जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, जितनी फॉरेन बैंक्स आए, जितनी फॉरेन कंपनीज आई, दे ऑल आर सेइंग कि जी पाकिस्तान एक अनस्टेबल सिचुएशन में है और हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अच्छा मंसूर, आपकी बात ही हम कंटिन्यू करें, आप समेत तमाम मेहमानों से ये सवाल होगा मेरा कि सोल्यूशन जब हम ढूंढने की जानिब निकलते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाहिद सोल्यूशन है और उसके लिए सियासतदानों को एक पेज पर आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ हमें कोई संजीदगी अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रही। भट्टी साहब क्या होगा फिर? देखें, बात यह है कि मैं फिर ये कहूँगा कि दुनिया में अगर इसके अलावा कोई और हल है, जिस तरह मेरा भाई अभी ये फरमा रहे थे, अगर कोई और हाल है तो वो ले आए, छोड़ें पार्लियामान को, छोड़ें सियासतदानों को, कोई ऐसा अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इसका एक ही हाल है कि सिर जोड़कर बैठना होगा। कौम को भी चाहिए कि वो भी अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर प्रेशर डेवलप करें, उन्हें कहें कि मेहरबानी करके अब हमें और सिक्कत नहीं है, आप मिल बैठ कर पार्लियामान के अंदर जो है वो डायलॉग करें, चीज़ों को ठीक करें और मामलात को आगे लेकर चलें। सिर जोड़कर बैठना पड़ेगा जैसे आप बात करें, ये तब हो सकता है जब हम पिछली बातों को भूल जाएं और कहें कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमने इसको फिल फॉर हल करना है, तो हम तो पुराने दुखड़ों से निकलते ही देखें। बात यह है कि उसके लिए फिर तमाम अतराफ के लोगों को सोचना होगा ना, फिर ये नहीं हो सकता कि जी आप सिर्फ एक को मुर्दे इल्जाम ठहरा दें कि नहीं जनाब ये एक जो है इनकी वजह से सारा सिस्टम खराब है, फिर सिस्टम के तमाम पुर्जे जो हैं, पूरे निजाम के तमाम पुर्जे जो हैं, उन सब को अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया है। ठीक हो, ये बड़ा अहम उसूल का सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, सर आपसे भी यही सवाल है, आपको क्या लगता है सोल्यूशन की जाने जब हम आ रहे हैं तो फिर इसी फॉर्मूले को रखना होगा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स? जो सोल्यूशन तो जैसे आपने कहा ना डायलॉग, और जैसे ये सामने उभर के आया कि डायलॉग कहाँ होने, पार्लियामेंट के अंदर होने। अब आप यहाँ पे बाकी चीज़ों को छोड़िए, पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो अदलिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वो मुकदमात क्रिमिनल नहीं बल्कि इलेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उन चीज़ों से अदलिया को चाहिए कि उन कॉन्ट्रोवर्सीज से पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरे लिए फैसला है किसी और के लिए, जो कुछ है उसको ख़त्म करें और उस चीज़ से बाहर आए। ये एक कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपके पास कोई हिचेज नहीं रह जाएंगे। यानी बहुत सारे इलेक्शन पटिशन लगी हुई हैं, अब वो इलेक्शन पटिशन जो है वो फुटबॉल की तरह इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के दरमियान घूम रही, भाई एक दफ़ा फैसला दे दे जो फैसला देना है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ जो भी फैसले देने हैं, जो PTI के इमरान खान जो अंदर है उनके खिलाफ फैसले दे दें, ताकि रोजाना जेल की आने जाने खबरें नैरेटिव ये हो गया फलाना हो गया अंदर कर दिया बाहर कर दिया ये खत्म हो। तीसरी चीज, जो आप इन इश्यूज को जो इश्यूज है, अब इशू क्या है ओपोजिशन का या PTI का, आप इशू ले रहे हैं, उनका इशू यह है कि इलेक्शन के अंदर उनके लोगों के साथ जो अपना काउंटिंग की गई है, रिकाउंटिंग की गई, वो ठीक है और उसके हिसाब से बहुत लोगों के खिलाफ सारी एप्लीकेशन नहीं है, कुछ पिटीशंस हैं जो पेंडिंग है, उनको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं डिसाइड करती? उन्होंने भी तो एक रोल प्ले करना है ना, अब वो कर दे उसको जिस तरह मर्जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी जाने आप इशारा कर रहे हैं कि ये जो मामला जिनको तूल दिए जा रहे हैं उनको फौरी हल करके उनके फैसले सुना दिए जाए, बिल्कुल ठीक है। खरल साहब, सर आप क्या कहना चाहेंगे, एक जुमले में अपना आंसर दे दें ताकि हम दूसरे टॉपिक को भी शामिल करें फिर। जी असद खरल साहब, समझाऊं जी मैं भी यही समझाऊं कि ये जो मामलात हैं इसके लिए संजीदगी से और फौरी तौर पर जब तक बैठेंगे नहीं टेबल पर बैठ कर बात की जा सकती है, इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है। और जब तक ये मामला इस तरह रहेगा, मैं ना मानूं कि पॉलिसी और ये जो सियासी उसमें इस्तेहकाम रहेगा, उससे पाकिस्तान के कभी भी हालात ठीक नहीं हो सकते। अब देखें ना, सऊदी अगर वलीअहद का दौरा मौकर जो हुआ है उसकी बहुत सारी वजुहत में ये भी एक वजुहत है, IMF जो है उसकी भी ये रिपोर्ट आई है कि
जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, इस वजह से ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकती। और पीटीआई को भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मैंडेट लेके जमात आई है, तो वो भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई को भी ये समझना चाहिए कि ये जो अगर सियासतदान या जो भी एक सिस्टम है उसके अंदर रहकर एक टेबल पर बैठकर मुजाकरात बातचीत के जरिए ही मामले का हल निकाला जा सकता है। अगर इस तरीके से धर्मी की पॉलिसी बनाई रही तो फिर मेरा ठीक हो गया। ठीक हो गया सर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। मंसूर, एक जुमले में आपका आंसर भी लेना चाहूंगी। भट्टी साहब ने भी बात की कि सर जोड़कर अगर बैठते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी होगा। हम पुरानी बातों को जब तक लेके आते रहेंगे तब तक मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि फैसले सुना दिए जाए मामला ताकि हल होते दिखाई दें, उसके बाद आगे की सोच सकते हैं। मैं ना मानूं कि पॉलिसी ख़त्म करनी होगी, असद खरल साहब कह रहे हैं। सर एक जुमले में आप भी बता दीजिए, अगर मुजाकरात की मेज़ पर आते हैं और फिर उसको हम चाहते हैं कि फ्रूटफुल नतीजे आएं, तो फिर आपकी नज़र में एक जुमले में क्या सलूशन है? एक जुमले में जी ये है कि देखिए, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड। जो जस्टिस डिले हो गया वो जस्टिस डिनाई हो गया। एक साल हो गया 9 मई को हुए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने, एक चार्जशीट उन्होंने बिल्कुल सबके सामने किया, हुकूमत हो या जुडिशरी हो। अगर आपके पास केसेस हैं, आपके पास एविडेंस है, आपने देखा है, सब कुछ हुआ है, आप केसेस का फैसला सुनाएं। केसेस का फैसला सुनाएंगे, स्टेबिलिटी खुद आनी शुरू हो जाएगी, आप इसको लिंगर ऑन करते जाएंगे। ठीक है, आपने भी अपना पॉइंट शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छी जो है वो हमारी डिस्कशन रही पहले टॉपिक के हवाले से। अब जरा हम दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। एक जानिब जहां हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सियासी रहनुमाओं के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्हें सोचना चाहिए, मुजाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, फैसलों पर मबनी गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ सके। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान के एक ट्रेंड की बात कर लेते हैं, कल्चर की बात कर लेते हैं, नई सियासी जमातों का उभरना, नई सियासी जमातों का आए रोज़ ऐलानात हो रहे होते हैं, ये किस जानिब हम जा रहे हैं, इसके क्या नतायज सामने आ सकते हैं? अभी अगर बात की जाए जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बात हो रही है और उन्होंने भी नाम बता दिए कि नई सियासी जमात आ रही है, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात बनने जा रही है जी, जुमेरात तक इसका होपफुली ऐलान भी हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से रहनुमा शामिल होंगे, अब ये कौन सी नई सियासी जमात है, इसके क्या नतायज सामने आएंगे, ये मकबूल होगी नहीं होगी, क्या इस वक्त पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है भी या नहीं? भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि सियासी जमात बनाना जो है वो हर पाकिस्तानी का हक है, और अगर मुफ्ता इस्माइल और इसमें ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, जिनके हवाले से हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि वो सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, अगर वो कोई सियासी जमात बनाते हैं तो उनका हक है कि वो सियासी जमात बनाएं। उसमें कामयाबी किस तरह मिलती है, नाकामी किस तरह होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सियासी जमातें पहले भी जो हैं वो पार्टियों से पार्टियां जो हैं वो बनाई गईं, जिस तरह पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी पेट्रियट निकाली गई जिसका आजकल कोई वजूद आपको नज़र नहीं आता, इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज से मुस्लिम लीग काफ बनाई गई जो गालबन अब जो है वो थोड़ी सी बड़ा नाम रह गई है। तो यही सूरत हाल जो देख लें IPP हमारे सामने, हाँ उसका आपने देख लिया कि जो वो कहते थे तरीन साहब के पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो यूं घुमाएंगे और पूरा परवेज खटक साहब कहते थे KPK जो है वो मेरी जेब में है। सो सियासी जमात बनाने में कोई हर्ज नहीं है, किसी को भी हक बनता है कि वो बनाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास एजेंडा क्या है। वो जब सामने आएगा, लोगों की राय जो है वो बड़ी मुकद्दम है, लोग क्या सोचते हैं, लोग किस जमात के साथ हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। है इस वक्त पाकिस्तान में कि मैं समझता हूँ कि देखें, सियासी जमात जो है वो अगर सियासी जमातें ज़्यादा होंगी तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बात ज़रूरत की नहीं है, बात यह है कि अगर वो किसी सियासी जमात के साथ उनकी एडजस्टमेंट नहीं बन रही और एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक साबिक वज़ीर ख़जाना है, वो चाह रहे हैं कि हम अपनी सियासी जमात लेकर आएँ और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो वो लोग जो बागी सोच है, जो उनसे मुनर्रफ हुए हुए हैं, जो उनके साथ इत्तफाक नहीं करते, वो अगर जो है वो अलग से जमात बनाते हैं तो इसमें हर्ज वाली बात भी कोई नहीं है। हमें ये कोई फायदा होगा या नहीं ये बता दीजिए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो फायदा होने या ना होने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून को जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान हो सकता है। अलबत्ता जो है वो पार्टी बनाने वाले जो है वो हो सकता है आने वाले दिनों में उनको फायदा। ठीक हो गया असद खलल साहब, सर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें, नई सियासी जमात की जरूरत है फिल वक्त या नहीं, या फिर ये जो नई सियासी जमात बनने जा रही है ये मकबूलियत हासिल कर सकेगी?
देखिए नई सियासी जमातें आपको मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में पहले भी हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या उसकी स्पेस है, क्या लोगों के अंदर ये जमात जो है, ये इनके जो लीडरान है इनको लोग पहले नहीं देख सके, क्या शाहजहां का नवासी एज ए वजीर आजम पहले परफॉर्म नहीं कर सकते, उससे पहले वो बाकी वजीर भी रहे कई मरतबा, उससे पहले जो मुख्तार इस्माइल साहब जो है वो भी वजीर खजाना रह चुके हैं, तो जो उन्होंने परफॉर्म किया है या जो कारकर्दगी के साथ के सामने है, जमातें पहले भी बनती रही हैं, अभी रिसेंटली आपने जिस तरह बात हुई है आईटीसी के वो जमात वजूद में आई, फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है पाकिस्तान की जमात वो वजूद में है, उससे पहले आपने एक बड़ी हाइप देखी थी जमात की पांच साल जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब या पाकिस्तान, तो मतलब ये है कि इस तरह जमातें तो बनती हैं और एक हाइप क्रिएट होती है, लेकिन देखना ये है कि क्या वो जमात जो है वो पाकिस्तान में बड़ा कोई मेजर पोलिटिकल रोल ले पाएगी, क्या वो हुकूमत में आ सकेगी, क्या वो अपोजिशन में बैठने के काबिल हो जाएगी, वरना इस तरह जमातें आने से तो मेरा नहीं ख्याल कि स्कोर बढ़ जाएगा, नंबर एक जमात का इजाफा होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल का बहुत कोई सियासी फायदा हो सकेगा। ठीक है मंसूर, क्या लगता है जैसे अभी असद खरल साहब कह रहे थे, ये तो ऐसा ही लग रहा है कि एक स्पेस बन जाएगी, एक नई जगह जनरेट हो जाएगी कि अगर किसी सियासी रहनुमा का दिल नहीं लग रहा तो वो इस जमात में आके भी देख ले, कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ मकबूलियत हासिल कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस जितने हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं कि नई सियासी जमातें तो बड़ी उभर के सामने आती हैं और ये दावे करती हैं हम बड़ी मकबूलियत हासिल कर लेंगे, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे पाकिस्तान में, होता कुछ भी नहीं। अच्छा इसके अंदर भी थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, अभी वेरी रिसेंट में हमने देखा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी, उसके बाद हमने देखा आईपीपी बनी और फिर हमने उसका एंड रिजल्ट देख लिया, उसका एंड रिजल्ट इसलिए देखा बिकॉज शायद उनके बारे में ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन थी कि दे आर बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट साइड, ये दो रीसेंट एग्जांपल्स हैं। शायद खान अब्बासी साहब वो हमें पता है उनका एक नैरेटिव है, वो डिसएग्री कर रही हैं इस वक्त सारी सिचुएशन से, मिर्ता इस्माइल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी या हैं इस हवदार साहब की या अब जो हुकूमत है उससे डिसएग्री कर रहे थे, इस तरह मुस्तफा नवाज खोखर वन ऑफ द वेरी गुड नेम्स वो डिसएग्री कर रहे थे पीपल्स पार्टी की, वो जो एक विजन जिन जो इन लोगों के साथ चला है, शायद खान अब्बासी एज अ प्राइम मिनिस्टर ही कीप्स अ वेरी क्लीन हिस्ट्री ऑफ दैट, ये हम सबको पता है जितने भी अभी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं उनपे जिस तरह भी इन लोगों ने डिलीवर किया, मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। सो अगर नई कोई इस तरह की पोलिटिकल पार्टी बनती है और उसको टैग नहीं किया जा रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल में ये खुशाइन चीज है, और ये खुशाइन इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर हमारे सियासतदानों में शायद आज पाकिस्तान को आजाद हुए जब इतना अरसा गुजर गया है तो आज इस चीज की तरफ यकीन होता जा रहा है कि जमहूरियत का मजबूत होना इस मुल्क में बहुत जरूरी है, और जमहूरियत तब मजबूत होगी जब हम एक आम आदमी को रिलीफ देंगे, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम मंसूर आपको नहीं लगता जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं वही अगर थोड़ा अपना काम बेहतर कर लें या फिर पाकिस्तान के भले का सोच लें तो नई सियासी जमातों की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये इसके ऊपर हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि दुआ के अलावा इस पे कोई असर चीज नहीं हो रही है, हम लोग दुआएं कर करके हर दफा इलेक्शंस में इन लोगों को वोट दे देके, आप मुझे बताएं क्या नून लीग पहली दफा हुकूमत में आई है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफा हुकूमत में आई है, आप आज भी जाकर कराची देख लें, आप सिंध देख लें, आपको पता चल जाएगा पंजाब के जो इस वक्त के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हम सबके सामने है, फेडरल के अंदर जो इकोनॉमिक हालात हैं, आज आप 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आ सकता क्योंकि आईएमएफ ने आपको इस तरह पकड़ के बिठाया हुआ है कि जो हम कहेंगे आप लोग वही करेंगे, आप लोग लोन पर लोन ले रहे हैं और उनको रिटर्न करने के लिए भी लोन ले रहे हैं। सो अगर कोई ऐसी ऑप्शन है, ऐसे लोग हैं जिनका विजन आम आदमी है, तो जरूर होनी चाहिए, एक या 10 जमातें होनी चाहिए। अब ये बहुत बहुत भारी सवाल है मंसूर, ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब क्या वाकई ऐसे सियासी रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अगर वो नई सियासी जमात भी बना लेते हैं, जमात नहीं होगी चेहरे पुराने होंगे, कि वो आम आदमी की मजबूरियां आम आदमी के मसाइल को सामने लेकर आए या उनके हल की जानिब कोई बात कर सकें? असल में बात यह है कि पहली बात सियासत का आज की सियासत का एक बहुत बड़ी ज़रूरत यह है मेरी नज़र में कि आप मौरूसियत से निकलें किसी न किसी तरह, ये जो पार्टियों के बाप बेटे ने कब्जा किया हुआ है या चचा ताया ने कब्जा किया हुआ है, इस चुंगल से जब तक आज़ाद नहीं होंगे, आप मेरी बात लिख लीजिए,
نہ پاکستان میں اندر جمہوریت آئے گی نہ پاکستان میں سیاسی سر معذرت کے ساتھ کیسے نکل سکتے ہیں, چہرے تو وہی پرانے ہیں جو نئی پارٹیوں میں سامنے آ رہے, لے مین تو نہیں آئے گا کبھی بھی. نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سیاسی پارٹیوں کے بعد پھر میرا آپ کا اور عوام کا بہت امپورٹنٹ رول آتا ہے کہ وہ ان تمام قوتوں کو ریجیکٹ کریں, ان تمام لوگوں کو ریجیکٹ کریں جو لوگ اس موروثیت کے ذمہ دار ہیں, اور وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے اس سسٹم میں, ریجیکٹ ہو گئے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آپ جو کچھ ہوا اس کی تاریخ میں اب ہم کیا جائیں, ابھی تک اسی لیے سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے کہ وہ جو لوگ ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ آپ کو پھر اپنا پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ اور چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کیپیبل. عوام نے اندازہ لگا لیا تھا بہت ساری چیزوں کا. اب اس ماحول کے اندر آپ اس وقت کہہ رہی ہیں کہ ایک نئی سیاسی پارٹی آ رہی ہے اور اس کے اندر مفتی اسماعیل صاحب ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب ہیں اور بھی لوگ آئیں گے. اب آپ آ رہے ہیں اور وہ جو جس چیز کو لے کے وہ چل رہے ہیں تو وہ جو یا میں نے شاید خاقان عباسی کی جو بات چیت سنی ہے پالیسی کے حساب سے اور سسٹم کے حساب سے, وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ویسے تو, مجھے بڑا ایک دو کچھ کے اوپر یہ بھی ہے کہ وہ پی آئی اے کے بھی چیئرمین رہے تھے. ایئر بلو تو پروفٹ میں جا رہی ہے, وہ پی آئی اے کے چیئرمین رہے اور پی آئی اے ڈوبتی گئی, اس کو تو ہم آؤٹ سورس کرنے لگے نا, جو ڈوبتا ہے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں. تو وہ ان کی کیپیبلٹی وہاں پہ کیوں ڈیلیور نہیں کی, آج پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے. تو مفتی اسماعیل صاحب بھی منسٹر فار فائنانس رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایک نئے کم از کم کچھ اور نہیں, اب سیاسی پارٹیوں کا دو رول ہوتا ہے یاد رکھیے گا, یہ ضروری نہیں کہ سیاسی پارٹی آ کے فوراً ہی پاور میں آ جائے یا فوراً ہی وہ انان حکومت سنبھال لے. ہاں اگر جس قسم کی باتیں, اگر وہ ایک عام آدمی کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور حقیقت سے سچائی سے پاکستان کی پالیسیز اور پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں اور جو عام آدمی کی پرابلم ہے, جیسے ابھی بڑی پرٹیننٹ بات کی گئی کہ آپ نے مڈل کلاس تو ختم ہی کر دی ہے, مڈل کلاس کو غربت کے درجے میں ڈال دیا ہے, اور یہ آئی ایم ایف جو ابھی آپ کے اوپر ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور 3 trillion کے آپ پر جو ٹیکس لگ رہے ہیں اور جس طرح جوتے پڑ رہے ہیں اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری کلاس کے ٹیکس ختم کریں, پینشن پہ سر انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن آپ نے کروا بھی لیے لیکن آپ کے سیاسی استحکام نہیں آیا, ابھی بھی سیاسی بے چینی ہے. میں فاروق بھٹی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس پوری جو ڈسکشن ہے ہمارے اس کے سر جب ہم آپ سے ریمارکس لینے کی بات کریں گے, ایک جملے میں بتا دیجئے جب ہم نئی سیاسی جماعتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں, چہرے تو پرانے ہیں, وہ اب کون سی تبدیلی لے آئیں گے, کون سی نئی ایسے پالیسی لے آئیں گے, کون سی اسٹریٹجی لے آئیں گے جو وہ ریسنٹ نہیں کر سکے تھے, اب کچھ کر سکیں گے یا آپ کو اگر امید ہے تو وہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو نئی بن رہی ہے یا جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اگر عام لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں اسی طرح ناکام رہتی ہیں جس طرح پہلے ناکام ہوئی ہیں اور ابھی میں ناکام جا رہی ہیں, تو یقین جانیں جو پاکستان کی عوام ہے ان کا اعتماد جو پہلے ہی ان سے اٹھ چکا ہے وہ مکمل طور پر اٹھ جائے گا, اور یہ خدا نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے کہ لوگ جو ہیں یہ آنے پہ جو ہے ان کے منہ اس طرف کر لیں کہ جی یہ ہمارے لیے کیا ڈیلیور کریں گے, ان کے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سیاسی رہنما سوچیں کہ ہم نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا بھی بہتری کرنی ہے اور ان کا بھی سوچنا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, اللہ نگہبان.